लिखो। चलो लिखो, एक नोट लिखो। इन ऑर्डर टू अप्लाई द लिमिट फॉर्म टेस्ट to a given series, sigma un, we have to select a series sigma vn, और ब्रैकेट में लिख लेना which is usually a p series in which the nth term vn behaves as un for large values of n, full stop. This is symbolically written as un is equivalent to Vn. Thus, for large values of n, we see that. चलो. 1/n² + 1. इसको कैसे लिख सकते हैं? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, तुम बताओ क्यों? वन नहीं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/n. इसीलिए तो एक दिन मैंने कहा था कि 1 को भूल जाओ, तो वो यहीं से मैंने कहा था कि 1 को भूल जाओ, ठीक है. अब ये क्या बन गया? 1/n² 1/n² के करिस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी वो कैसी होगी? पहले तो ऐसे देखो, ये सीक्वेंस है. अगर कुछ पल के लिए हम ये मान लें ये सीक्वेंस है, तो ये 0 पे कन्वर्ज करेगा. अब सीरीज मान लो, तो सीरीज अगर है तो 1/n⁴, तो p की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 1. सो दिस के इसके करिस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी क्या होगी? कन्वर्जेंट. दूसरा, 1/√n + √n+1, ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताओ?
अच्छा इसको भूल जाओ, आप बताओ डाइवर्जेंट, बात समझ में आ गई। अब वो कैसे गायब होता है तो ये देखो, क्या इसको इन भाई साहब को हम ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं। देखो अब देखो, अगर हम ये देखें तो ये छोटा होगा इससे कि नहीं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू फैक्टोरियल सॉरी टू रूट एन लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू वन अपॉन फैक्टोरियल एन, और ये हमारी सीरीज क्या बनेगी इसके करेस्पॉन्डिंग डाइवर्जेंट। ठीक है तो बस हो गया, ये नोट कर लो ATC, या चाहो तो सिर्फ यहीं तक ला के छोड़ सकते हो, बस इतना ही। अच्छा देखो यहाँ पे क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी एन टू वी एन, तो C की वैल्यू जरा बता दो क्या है, वन अपॉन टू, और वी एन की वैल्यू वन अपॉन रूट एन। ठीक है, ये C की वैल्यू जो 1/2 है ना, ये कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी में। ठीक है, अब आप एक हेडिंग डालो, चलो ये देखो, ये सपोज करो कि ये जो दिया रहेगा आपका ना, वो यूएन दिया रहेगा, ठीक है ना, यूएन आपको दिया रहेगा, वीएन आपको खुद बनाना है, और वीएन आपका यहां पे बना है, तो कुछ सी इंटू वीएन में ही ब्रेक होगा, कभी कभी सी आपको दिखेगा नहीं, तो सी की वैल्यू वन, और दिख गया तो ठीक है, और ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ऐसा नहीं है कि आप वीएन की वैल्यू आप ये पूरा नहीं ले सकते हो, ले सकते हो, इस C को बाहर कर दो, उसके बाद से जो बचा वही हमारा क्या बनेगा, VN। ठीक है, अब एक काम करते हैं, UN अपॉन VN फाइंड कर लो। मैं देखो अगर इसी की मैं अगर कन्वर्जेंसी की बात करता हूं कि इसके करेस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगा वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, मतलब हमें यह चर्चा करना है, वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस फैक्टोरियल एन प्लस वन। ठीक है, ओके तो ये हमारा क्या हो गया, इसको कंपेयर कर लो सिग्मा यूएन से, कर सकते हैं, तो यूएन की वैल्यू कितनी मिल गई, वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस सॉरी फैक्टोरियल मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार, रूट एन रूट एन रूट एन प्लस वन, और वीएन की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, वन अपॉन अंडर रूट एन, तो यूएन अपॉन वीएन कितना आएगा, दिस इज रूट एन अपॉन रूट एन प्लस रूट एन प्लस वन, एंड दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन बाय वीएन दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट एन, यहां से कॉमन करो तो ये रूट एन कैंसिल, तो ये आ गया न्यूमरेटर में वन, और यहां पे आ गया वन प्लस अंडर रूट वन प्लस वन बाई एन, एंड दिस इज इक्वल टू वन, एंड दिस इज एल विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई हुआ, हुआ कि नहीं, तो लिमिट फॉर्म टेस्ट क्या कहता है कि अगर एल की वैल्यू जीरो ना आए तो उस केस में अगर सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट सिग्मा यू एन, और सिग्मा वी एन अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट। तो यहां पे सिग्मा वी एन कैसा है, सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन एन की पावर 1/2 एंड दिस इज डाइवर्जेंट, सो सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। देखो कितना आसान है रियल एनालिसिस, अब तो BSc पार्ट वन वाले फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे सब, परेशान हो जाएंगे सब।
आसान नहीं है रियल, रियल तो आसान ही है, कठिन लग रहा है तुम लोगों को? कोई भी चैप्टर आपका जो भी रियल में है, कोई भी चैप्टर आप, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर आपको कठिन ना लगे, चाहे वो रिमान क्यों ना हो, चाहे आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्यों ना हो। जल्दी करो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? कन्वर्जेंट कह रहा है, मिटाए हो गया। नहीं लिख पाए क्या तुम लोग? बता दो लिख लें सर। तुम लिख ली थी? ओके हाँ, क्वेश्चन क्या था बोलना। हमें प्रूफ करना था कि सिग्मा ई टू डी पावर माइनस एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, ये प्रूफ करना था। ठीक है, चलो इधर देखो। सबसे पहले हमें e टू डी पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बता दो। n हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर। n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। जरा ध्यान से देखना, मतलब कि हमें क्या करना है, e टू डी पावर n स्क्वायर का ग्राफ बनाना है और n स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। ठीक है, हम बाद में वहां पे जाएंगे e टू डी पावर माइनस एन स्क्वायर पे। ठीक है, तो e टू डी पावर एन स्क्वायर का ग्राफ और एन स्क्वायर का ग्राफ अगर मैं ड्रा करूं तो जरा देखो इधर, x इज इक्वल टू जीरो, देन e टू डी पावर जीरो इज वन, सो जीरो पे ग्राफ हमारा वन पे जाएगा। ठीक है, और हम n की वैल्यू वन ही ले सकते हैं, जीरो भी नहीं ले सकते। n की वैल्यू क्या ले सकते? वन, चूंकि यहां पे n जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है ना, तो हमें वन यहां से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे। सपोज दिस इज वन, तो वन के करेस्पॉन्डिंग पहले हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, टू के देखेंगे, थ्री के देखेंगे, फोर के देखेंगे, ऐसे टू थ्री, मान लो यहां पे टू है, यहां पे थ्री है। ठीक है, अच्छा तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो आप देखो कि x goes to infinity के लिए e to the power infinity हो रहा है और e to the power infinity की वैल्यू infinity होती है, so this is goes to infinity, यूं मतलब कि इसके corresponding ये वैल्यू है हमारे पास, इसके corresponding ये वैल्यू है और इसके corresponding ये वैल्यू है। हमारे पास ये वैल्यूज नहीं है क्योंकि ये हमारा सिर्फ नेचुरल नंबर है। ठीक है, ओके दूसरा क्या है, y is equal to x square, तो x स्क्वायर का ग्राफ भी क्या करेंगे हम, कहां से बनाएंगे? n स्क्वायर, मतलब n इक्वल टू वन के लिए भी, तो ये बनेगा ग्राफ कुछ कर, ये पैराबोला है ना, एंड दिस इज a की वैल्यू वन विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो अपवर्ड खुलेगा। ठीक, तो ये बनाओ ग्राफ, ऐसे जाएगा, वन पे हमें ये वैल्यू मिलेगी, टू पे ये वैल्यू मिलेगी, थ्री पे ये वैल्यू मिलेगी, तो ये वाली सारी वैल्यू इससे छोटी होगी कि नहीं बोलो? n नेचुरल नंबर ही है, तो एक्चुअल में पूरी रियल लाइन के लिए ग्राफ हमारा ये है। हमेशा n की वैल्यू आप जब नेचुरल नंबर लोगे तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगी वो इससे हमेशा छोटी आएगी, ये पक्की बात है। इसका मतलब कि हम यहां से कह सकते हैं कि e टू दी पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच रिलेशन क्या आएगा?
कुछ ऐसा। अच्छा तो एक बटे ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक बटे एक्स स्क्वायर, सो एक बटे ई के पावर एन स्क्वायर इज लेस देन वन अपॉन एन स्क्वायर, एंड दिस इज ई टू डी पावर माइनस एन स्क्वायर एंड दिस इज वन अपॉन एन स्क्वायर एंड दिस इज सिग्मा एंड दिस इज आल्सो सिग्मा, दिस इज पी सीरीज। बड़ी वाली सीरीज कैसी हो गई? कन्वर्जेंट। तो छोटी वाली सीरीज कन्वर्जेंट बाई कंपेरिजन टेस्ट। प्रूफ हो गया ये। लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करते हैं। इधर देखो, लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करें। यूएन की वैल्यू क्या मान लें? यूएन की वैल्यू मान लो ई टू डी पावर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, और वीएन की वैल्यू कितना मान लो? वन अपॉन एन स्क्वायर। तो यूएन अपॉन वीएन कितना आएगा? ई टू डी पावर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एक मिनट, un is equal to e to the power minus n square and vn is equal to 1 upon n square, okay? लेकिन यहां से तो हम नहीं बना सकते ना e to the power minus n square से vn। तो जीरो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम पी सीरीज तो हम बना ही नहीं पाएंगे। हमें पी सीरीज जो है वो यहीं से बनाना है, जो हम इजीली नहीं बना पाएंगे, ठीक है। e टू डी पावर x को हम क्या लिख सकते हैं? वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, वन अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन। सो माइनस है तो यहाँ पे अल्टरनेट चलेगा, तो माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। ओके, यहाँ से ये बन नहीं पा रहा है और यहाँ से मेरा जीरो आ जा रहा है, जीरो बाई इन्फिनिटी। यहाँ से ये दिक्कत आ रही है थोड़ी। इसमें बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, बाई ग्राफिकली अप्रोच कर सकते हो। ग्राफ अगर समझ में आ रहा है तभी ऐसा बना पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट हो तो बोलो, कुछ पूछना है? मैं आपको दो क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करना। मिटाएंगे? मिटा दें? चलो, टेस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस। टेस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस। पहला क्वेश्चन, वन अपॉन वन टू थ्री, थ्री अपॉन टू थ्री फोर, फाइव अपॉन थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू टू, वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू थ्री, वन अपॉन सॉरी रूट थ्री इंटू फोर। रूट का फैक्टोरियल हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल थ्री, वन अपॉन फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल बोल रहे हैं, वन अपॉन अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट फाइव एंड सो ऑन। ये सीरीज तुरंत बताओ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, जल्दी विद इन 5 सेकेंड। डाइवर्जेंट, ठीक है। एक्चुअल में ये अब जैसे मान लो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप अगर पेपर क्वेश्चन होता
तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको ऐसे सिखा देता ना कि आप दो दो तीन तीन सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब देते। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दूर की अगर सोच पा रहे हो तो सोचो तो ये हमारा अंडर रूट एन प्लस वन बन रहा है, तो भूल जाना है बाद वाले को। तो अंडर रूट एन की पावर एक बटे दो, एक बटे दो एक से छोटा, सो डाइवर्जेंट। और नहीं तो यहाँ पर देखो पहले वाले को एन मान लो, मन की आंखों से देखो और इसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एन है, ठीक है। तो फिर ये हमारा हो गया वन अपॉन फैक्टो रूट एन और एन के पावर एक बटे दो, एक बटे दो एक से छोटा, सो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो ये तीन क्वेश्चन हैं, इन्हें जरा किताब निकालना तुम लोग, पेज नंबर 215 जल्दी। कल लिमिट की क्लास होगी और कल लिमिट खत्म होगा। कन्वर्जेंस आप सीरीज में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने इसको बंद कर दो अब।